और देखिए ये टोटल अपरेटस का जो है हम अरेंजमेंट कर करके आपको जो है यहाँ पर सेटअप के साथ में दिखाएंगे कि कैसे जो है आपको वेरिफिकेशन करना है ओमसला का। तो आइए देखते हैं पहले ये जो है आप। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आपने जो वीडियो का छोटा सा क्लिप देखे तो वो हमारे कॉलेज के पॉलिटेक्निक पटना सेवन के प्रोफेसर पीसी आर्या सर थे, जो कि हम लोगों को फिजिक्स का लैब करवाते हैं। उसी दिन लैब का क्लास था और साथ में स्टूडेंट भी नहीं आए थे, तो सर बोले कि हम आज वीडियो बना देते हैं और उसके बाद जो नहीं आए वो जरूर देख लेंगे। तो आपको ब्लॉग में इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉग का चैनल है, आप जरूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप सबके पास चल जाएगा। और तब तक के लिए बाय। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और देखिए ये टोटल अपरेटस का जो है हम अरेंजमेंट कर करके आपको जो है यहाँ पर सेटअप के साथ में दिखाएंगे कि कैसे जो है आपको वेरिफिकेशन करना है ओम्स लॉ का। तो आइए देखते हैं पहले इसका यूजर मैनुअल क्या है। देखिए आपका नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, तो टू वेरीफाई ओम्स लॉ बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको वेरीफाई करना है ओम्स लॉ को, और कैसे करना है तो जो है आपको ग्राफ प्लॉट करना है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। इसके लिए आपको ऑपरेटर्स क्या क्या जरूरत होगा, तो एक रिहोस्टेट की जरूरत होगी। और जैसा आपको, जैसे कि यहाँ पर हमारा 5 ओम का रिहोस्टेट यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन आप दूसरे का भी ले सकते हैं, दूसरे कोई रेंज का एन एमीटर जो 0 से 3 एम्पियर का है यहाँ पर, लेकिन हमारा यहाँ पर एक अलग होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपको करंट सप्लाई और जो है जैसा आपका ऑपरेटर्स का सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिपेंड करेगा। ये वोल्टमीटर फॉर ड्राई सेल, देखिए ड्राई सेल के जगह पर आप जो है कोई भी, ये यूजर मैनुअल में हमको बता रहा है। इस यूजर मैनुअल से अगर डिफर भी कुछ थोड़ा बहुत आपको कर रहा है तो हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर करंट जो आपका पावर सोर्स है उसके लिए जो है हम कन्वर्टर का यूज करेंगे। इसके बाद ईच विद द सेल होल्डर, ये आपका सेल होल्डर के साथ में आएगा, वो हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम डायरेक्ट जो है डीसी करंट सप्लाई लेंगे। ये जो है प्लग की होगा आपका कनेक्टिंग वायर, और जो है पीस ऑफ सैंड पेपर जो कि कहीं पर अगर आपका कार्बन लगा होगा तो उसको हटाने के लिए। इसके बाद स्टेटमेंट ओम्स लॉ का, तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करेंट आई थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज वी अक्रॉस द टू पॉइंट, मैंने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और भी अपॉन आई जो है एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी और आई के रेशियो से आप जो है ओम्स लॉ को यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद देख लेंगे इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका पावर सोर्स है, ये आपका स्विच है, यहाँ पर आपका रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट क्या होता है, तो रिहोस्टेट जो है आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके आगे जो है आपका सीरीज में एक एमीटर है कनेक्टेड, उससे आगे आपका जो है एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, पैरेलल में उसके क्या है तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, और ये सेकंड एंड पर आकर के अटैच हो गया। तो आइए हम आपको सब ऑपरेटर्स का डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। ये जो है आपका रिहोस्टेट है, ये जो है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको इस टाइप से हम लोग वेरी करवाते हैं, ठीक है। इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं वायर का। देखिए ये आपका पावर सोर्स है, ये यहाँ पर हमारा डिफरेंट जो 2 वोल्ट का है, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट तक इससे हम लोग पावर का सप्लाई यूज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर हमारा चेंज करने के लिए इसको ये 4 वोल्ट पर हम कनेक्ट कर दिए अभी। और यहाँ से आगे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, और इसके जो है पैरेलल में देखिए हम लोग वोल्ट मीटर को जो किए हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, और इसी रेजिस्टेंस का हमारा वैल्यू जो है आएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कलर कोड से आप इसका मेजर भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं पैरेलल में, ये ज़्यादा ज़्यादा रेजिस्टेंस का था, इसको कम करने के लिए हम लोग 2 पैरेलल में कर दिए। इसके आगे आप लोग देख लेंगे कि मिली एमीटर है, ये मिली एमीटर है हमारा, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए और यहाँ से फिर ये सेकंड एंड पर आ गया। तो हमारा इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार जो है ये है, देखिए निगेटिव साइड से हमारा एक रिहोस्टेट जुटा हुआ है, रिहोस्टेट का दूसरा एंड हमारा जो है ये मीटर से कनेक्टेड है,
एमीटर का दूसरा एंड जो है आपका ये वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर के पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये जा करके यहाँ पर पावर सोर्स से कनेक्ट हो गया। स्विच इसके अंदर में ही कनेक्टेड है हमारा यहाँ पर ऑन ऑफ का, समझ गए आप लोग कैसे कनेक्शन है। अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग जरा सा आप देख लीजिए कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए, सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया है ये आपको जो है शो करना होगा। तो रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, तो आपके एमीटर का रेंज क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एमीटर है, हमारे एमीटर का रेंज जो है वो क्या है, तो जीरो मिली एम्पियर से लेकर के 500 मिली एम्पियर तक का हमारा रेंज है। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं 0 to 500 मिली एम्पियर, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हमारा पूछ रहा लिस्ट काउंट ऑफ द गिवन एमीटर, तो एमीटर का आपका जो है लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जीरो से लेकर के यहाँ पर 100 दिखा रहा है और इसके बीच में टोटल कितना है, इसके बीच में आपका जो है 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन है तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 10 मिली एम्पियर, ये पहले से लिखा हुआ। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा रेंज ऑफ गिवन वोल्ट मीटर, तो देखिए वोल्ट मीटर का रेंज क्या है आपका। तो वोल्ट मीटर का रेंज आपको दिख रहा है कि 0 से 5 वोल्ट तक है और इसका लिस्ट काउंट क्या है, तो 0 से 1 तक यह है, ये 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.1 वोल्ट। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, देखिए 0 से 10 वोल्ट तक का आपका हो गया रेंज आपका, और लिस्ट काउंट कितना है, तो लिस्ट काउंट है आपका 0.1 वोल्ट आपका जो है इसका हो गया लिस्ट काउंट। अब इसके बाद हमारा मीन वैल्यू ऑफ भी अपॉन आई, मतलब भी और वोल्टेज और करंट का रेशियो जो ऑब्जर्वेशन से, ये जब आप इसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे कुछ इस टाइप से, देख लीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल ये है आपका। मैं इस PDF को आपको जो है मैनुअल का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, सेकंड वाले कॉलम में आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग है भी, ठीक है इन वोल्ट, और ये जो है एमीटर का रीडिंग है, ये करंट ये ए न होकर के आई हो जाएगा आपका, ठीक है इन एम्पियर, लेकिन हमारा यहाँ पर मिली एम्पियर में है, तो इसको चाहें तो आप कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारा जो ये मीटर है वो जो है मिली एमीटर है, तो इसको चाहे तो आप कन्वर्ट करके टेबल में लिखें या फिर यहाँ पर लिख लें आप जो है उसको, और उसके बाद जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जो है अभी यहाँ पर लिख देते हैं इन मिली एम्पियर, ठीक है मिली एम्पियर में हमारा हो जाएगा, अभी लिखेंगे बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और आर रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई इन ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पावर सोर्स से जो है इसको दे देते हैं सोर्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो की है उस की को हम ऑन करने वाले हैं, की हमारा ऑन हो गया, और की ऑन होते के साथ में आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ रीडिंग यहाँ पर आपको दोनों में आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग कि आपको जो है दोनों में कुछ रीडिंग आ रहा है। अगर स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो देखिए दोनों का 0 हो जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों का रीडिंग 0 हो गया। अब इसे हम जो है फिर से ऑन कर दे रहे हैं वहीं पर, दोनों का देखिए कुछ रीडिंग बता रहा है हमारा ऑन होते के साथ में, देखिए स्विच ऑन कर रहे हैं कुछ रीडिंग आपको अवेलेबल हो जा रहा है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट रीडिंग जो हमारा आ रहा है वो आप देख पा रहे होंगे कि वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग बता रहा है कि 0 और 1 के बीच में, मतलब 0.5 वोल्ट ये बता रहा है, और आपका मिली एमीटर जो है वो बता रहा है क्या 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। तो इसे हम पहले नोट करते हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है हमारा 0.5 वोल्ट है और ये कितना है 50 मिली एम्पियर है, इसको हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम जो है फिर से रियोस्टेट को थोड़ा सा चेंज करवाते हैं और यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर रीजिंग जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चेंज करेगा। देखिए आपका रीडिंग जो है बदल रहा है, देखिए
अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रहा है 1 वोल्ट का, और मिली एम्पियर जो है आपका एमीटर में वो आ रहा है 100 मिली एम्पियर का। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं, 1 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर, ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरा रीडिंग हम ले पा रहे हैं यहाँ से, इस जो यहाँ दिखाएंगे आप, देखिए अब हमारा जो रीडिंग आ रहा है ये 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, और यहाँ पर एमीटर में रीडिंग आ रहा है कितना, तो 150 मिली एम्पियर का। तो इसे हम नोट करते हैं, 1.5 वोल्ट और 150 मिली एम्पियर। फिर से हम इसे चेंज करवाते हैं, देखिए ये जो है हमारा रीडिंग आ रहा है कितना, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2 वोल्ट है, और यहाँ पर आपका जो है मिली एम्पियर में हमारा रीडिंग आ रहा है 200 मिली एम्पियर। तो देखिए इसे हम लिख लेते हैं 2 वोल्ट 200 मिली एम्पियर। अब एक रीडिंग और हम लेने वाले हैं, 5 रीडिंग टोटल लेंगे आपके लिए। हाँ देखिए ये 2.5 वोल्ट हो गया और इधर 250 मिली एम्पियर है, 2.5 और इधर 250। अब देखिए इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करने के लिए टोटल आपका क्या इस चीज में था, ये आपका जो है सो टोटल रीडिंग जो है ये जो है आपका, ये आपका था मिली एम्पियर में, लेकिन जब हम दोनों का रेशियो लेंगे तब मिली एम्पियर में ना लेकर के आपको रीडिंग लेना पड़ेगा, ये दोनों का एक ही यूनिट होना चाहिए। तो इसको या बदल लें या फिर आप इसे बदल लें, तो हम इसे ही बदल लेते हैं या इसे बदल लेते हैं कोई भी। तो मिली एम्पियर को अगर जब आपको बदलना होगा एम्पियर में, तब तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तब तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 50 डिवाइडेड बाई 1000, ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। हाँ देखिए, तो आप अगर इसे डिवाइड करेंगे 1000 से तब ये जो है एम्पियर में हो जाएगा, ये मिली एम्पियर में था पहले से आपका 50, और इसको 1000 से डिवाइड किए तो 0.05 मिली एम्पियर हो गया। इसको 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिली एम्पियर से ये जो है एम्पियर में बदल गया। इस टाइप से हम सबको बदल लिए। अब इसके बाद ये दोनों का आपको वी और आई का रेशियो लेना है। हाँ तो देखिए ये जो है आपने जो रीडिंग लिया था अपने एमीटर के थ्रू वो आपका मिली एमीटर था, इस चलते टोटल मिली एम्पियर में आया था वैल्यू, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर करके एम्पियर में बदल लिया। तो 50 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.05 एम्पियर हो गया। उसी टाइप से 100 को भी जो है डिवाइड किया 1000 से तो 0.1 एम्पियर हो गया, और इस टाइप से जो है सबको हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद फिर जो है वी और आई का आपका रेशियो है, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये जो है हमने जब दोनों को डिवाइड किया तो 10 आया, तो 10 ओम आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, अर्थात जो हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया था इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 10 ओम था, ये बता दिया आपका कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं ये दोनों का आपको जो है वी और आई का क्या करना है, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ कुछ इस टाइप से आप बनाएंगे, देख लीजिए जो है बाई एक्सिस पर आपको वोल्टेज को लेना होगा और एक्स एक्सिस पर आपको करंट को लेना होगा, और इस टाइप का आपका कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। अभी मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ। हाँ तो देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है, जो आपका रीडिंग आया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका भी और यहाँ पर जो है आपका आई इसको जो है यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर ये 10 डिवीजन का जो है वैल्यू मैंने 0.5 रखा इधर वोल्टेज में, और जो है इधर आपका करंट में जो है आपका ये मैं 0.05 लिया था 10 डिवीजन का वैल्यू, तो ये 1 0.15 0.2 और 0.25 0.3 इस टाइप से, और ये मैंने आपका ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ये आपका ग्राफ का नेचर आ गया जो कि आपको स्ट्रेट लाइन दिख पा रहा होगा। और ये जो है आपका देखिए यहाँ पर ये जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और सेटअप भी है कि इसे हम लोग डायरेक्ट जो है एक ही बॉक्स में टोटल चीज अटैच है, इसमें ये वोल्ट मीटर है, दिखा दीजिए इसको। ये जो आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका मिली एमीटर है यहाँ भी,
और यहाँ पर इसमें दो टाइप के हम लोग पावर सोर्स का यूज कर सकते हैं, या तो जो है इसको हम डायरेक्ट हम लोग पावर प्लग में डाल देंगे और एसी को डालेंगे, अंदर में इसमें कन्वर्टर लगा हुआ है जिसे कन्वर्ट करके डीसी बना देगा, या फिर यहाँ पर 3 वोल्ट डीसी बैटरी का भी यूज कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाना होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है पहले से, इसमें 100 ओम का ये रेजिस्टेंस, और इसमें देखिए एक सर्किट डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो हम लोग इससे भी करवाते हैं बच्चों को और इससे भी करवाते हैं। आप जो है इससे करना तो बहुत ही ईजी होता है। देखिए इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका भी डेमो। ये जो है जैसे ही देखिए इसमें हम लोग स्विच को ऑन किए और यहाँ पर ये रिहोस्टेट लगा हुआ है इसमें, और जो है देखिए ये आपको फ्लक्चुएशन दिखने लगा। तो ये थोड़ा ईजी होता है इसमें करना और रीडिंग लेना, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसे, और 5 मिनट में बच्चे कर देते हैं, बट इसको टोटल कनेक्शन करने में थोड़े बच्चे को टाइम लगता है। और देखिए जो है ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और ये जो है अभी हमारा हेल्प कर पा रहे थे इस वीडियो में, सब लोगों को थैंक्स। और जो ये वीडियो रिकॉर्डर है हमारे सामने, ये बच्चा जो है यही वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, धन्यवाद सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छे से वीडियो को देखे होंगे और आप सभी को अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अगर जो आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए बाय।